आपकी अव्य कहानी है 24 मार्च 2009। हेडिंग दिया है बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ और अनुभव की अथॉरिटी बनो। आज चारों ओर के सर्व खजाने जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। साथ साथ हरेक बच्चे ने कहां तक सर्व खजाने जमा किए हैं उसकी रिजल्ट भी देख रहे थे। खजाने तो बाप दादा द्वारा बहुत अविनाशी मिले हुए हैं। सबसे पहले बड़े से बड़ा खजाना है ज्ञान धन, जिस ज्ञान धन से मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्ति, जीवन मुक्त स्थिति और मुक्ति धाम में जाने की सभी बच्चों को प्राप्त है और साथ में एक ज्ञान का खजाना ही नहीं लेकिन योग का भी खजाना है, जिस योग से सब प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति होती है। साथ साथ धारणा करने का खजाना, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है, और सेवा का खजाना, जिससे दुआओं का खजाना मिलता है, खुशी का खजाना मिलता है, और साथ साथ सबसे बड़े से बड़ा खजाना है वर्तमान संगम युग का। इस संगम युग का समय सारे कल्प में अति अमूल्य समय है, अमूल्य खजाना है। क्यों? क्योंकि इसे एक ही जन्म में 84 जन्मों की प्रारब्ध बन जाती है। रिहर्सल हो जाती है। इस संगम के समय का एक एक संकल्प, एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है। एक सेकंड का शुभ संकल्प लंबे समय की सुख की प्राप्ति कराई देता है। क्योंकि संगम समय पर ही बाप दादा और बच्चों का मधुर मिलन होता है और कोई भी युग में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का मिलन नहीं होता है। साथ ही साथ संगम युग के समय ही जिसमें बाप दादा द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं, वो खजाना जमा होने का समय संगम युग है और कोई भी युग में जमा का खाता नहीं होता। जमा करने की इतनी भारी बैंक और कोई युग में होती नहीं। सिर्फ एक संगम युग है जिसमें जितने खजाने जमा करना चाहो जन्म जन्मांतर के लिए उतना कर सकते हो। और इस संगम समय का जो महत्व है यही है कि
एक जन्म में अनेक जन्मों के लिए खजाने जमा कर सकते हैं। इसलिए इस छोटे से युग का बहुत भारी मूल्य है और खजाने भी बाप दादा द्वारा प्राप्त सभी बच्चों को होते हैं। बाप देते तो सभी को हैं, लेकिन खजाना लेने में पुरुषार्थ अनुसार हर एक बच्चा नंबरवार हो जाता है। बाप देने वाला भी एक और एक जैसा खजाना सबको देता है और एक ही समय पर देता है, लेकिन धारण करने में क्या देखा कि बाप ने एक जैसा दिया लेकिन धारण करने में हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रखा। खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हैं, दूसरा सदा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व आत्माओं को संतुष्ट करना। संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा कर सकते हो। और तीसरा सेवा से खजाना जमा होता है, क्योंकि आपकी सेवा करने से सब आत्माओं को खुशी की प्राप्ति हो जाती है। तो आप अभी संगम पर ही अमूल्य खजाना प्राप्त कर सकते हो। अपना पुरुषार्थ और सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ, तीसरा सेवा का पुरुषार्थ, इन तीनों प्रकार से खजाने जमा कर सकते हो। खजाना जमा करने में विशेष संबंध संपर्क में आने में एक तो निमित्त भाव हो, निर्माण भाव हो, निस्वार्थ भाव हो और हरेक आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने की आवश्यकता है। अगर सेवा में व संबंध संपर्क में ये सब बातें हैं तो पुण्य का खाता और दुआओं का खाता बहुत सहज जमा कर सकते हो। तो आज बाप दादा सबके पोता मेल देख रहे थे तो क्या देखा? एक बच्चे जमा किया हुआ खजाना खाया, जमा भी किया और खा के खत्म भी कर देते हैं, ऐसे एक प्रकार के बच्चे हैं। दूसरे प्रकार के बच्चे हैं जिन्होंने खाया, जमा किया, जमा करने में अटेंशन दे करके बढ़ाया भी, खजाने को बढ़ाने का साधन क्या है? बढ़ाने का साधन है जो खजाने मिले वो समय पर जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। जो कार्य में लगाते हैं वो स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं, उनका जमा हो जाता है, और जो कार्य में नहीं लगाते तो फिर उनका जमा भी नहीं होता। तो हर एक अपने आप से पूछो कि समय आने पर अपने प्रति अथवा दूसरों के प्रति कार्य में लगाते हो, क्योंकि जितना जितना कार्य में लगावेंगे उतना उतना बढ़ता जाएगा।
क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है। तो अनुभव किया था कि ऐड हो जाती है, तो चेक करो अपने आप से, पूछो ये सारे खजाने जमा हैं और बढ़ाने का साधन समय आने पर, परिस्थिति आने पर कार्य में लगाते हैं, तो जरूर अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाती है। क्योंकि अथॉरिटीज में सबसे ज्यादा अनुभव की अथॉरिटी गाई जाती है। तो हरेक को अपना खाता बढ़ाना है, चेक करना है, क्योंकि अभी भी समय है चेक करके खजाने को बढ़ा सकते हो। अभी चांस है, क्योंकि लेट का बोर्ड लगा है लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, फिर ये चांस भी खत्म हो जाएगा। चाहेंगे कि खजाना बढ़ावे लेकिन बढ़ा नहीं सकेंगे। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को खजाना मिलता है, खुशी खुशी से अपने में समाने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन जब खजाना मिलता है, क्योंकि मुरली द्वारा ही खजाने मिलते हैं, तो दो प्रकार के बच्चे हैं, एक मुरली को सिर्फ सुनने वाले और दूसरे हैं सुनने के साथ साथ अंदर में समाने वाले। कई बच्चे तो सुनकर के ही बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन सुनना और अंदर में समाना दोनों में बातों में बहुत फर्क हो जाता है। समाने वाले अनुभवी बनते जाते हैं, क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाया जाता है, तो उनके खजाने बढ़ते रहते हैं। सुनने वाले वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी मुरली चली, लेकिन समाने में कमी रह जाने के कारण उन खजानों को काम में नहीं ला सकते। तो आप सभी बच्चे चेक करो कि हम सुनने के साथ साथ समाने वाले भी हैं, क्योंकि थोड़ा भी समाने में कम होगा, भरपूर नहीं होगा, तो हलचल में आते रहेंगे। 24 मार्च 2009 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। तो देखो, समाया हुआ फुल होगा तो हलचल नहीं होगी, जैसे भरा हुआ घड़ा होता है तो छलकता नहीं है, हलचल नहीं करता है, खाली घड़ा होता है तो छलकता है। इसलिए आज बाप दादा ने सबके खजाने चेक किए, सुनाया कि तीन प्रकार के बच्चे हैं। अभी अपने को चेक करो कि मैं कौन सा बच्चा हूं। खजाने को बढ़ाना अर्थात समय पर कार्य में लगाना। जितना कार्य में लगाते जाते हैं उतना खजाना बढ़ता जाता है।
क्योंकि जो भी खजाना है, खजाने का मालिक खजाने को कार्य में लगाता है, खजाना अपने को कार्य में नहीं लगाता। तो आप सभी को सर्व खजाने बाप ने वर्षे में दिए हैं, तो बाप के खजाने को अपना खजाना बनाना अर्थात समाना, यह हरेक को अपना अटेंशन देना है। क्योंकि जितना खजाना भरपूर होगा उतना ही भरपूर अवस्था में अचल अडोल होंगे। तो बाप दादा यही चाहता है कि एक एक बच्चा संपन्न हो, कम नहीं हो। ये चांस बाप द्वारा अविनाशी खाता जमा होने का, ये सिर्फ अभी ही हो सकता है। इसलिए कहा हुआ भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये संगम के समय के लिए ही गायन है, भविष्य में तो जमा किया है, उसका फल प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्ति का समय सिर्फ अभी है। तो हरेक को अपना खाता देखना है, जिसका जितना भंडारा भरपूर है उसके नैनों से, चलन से, चेहरे से जरूर मालूम पड़ जाता है। उसका चलन, उसका चेहरा ऐसे लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब, खिला हुआ फूल। बाप दादा हर एक के चलन और चेहरे से देखता रहता है, ये बच्चा कितना हर्षित और कितना खुश मिजाज है। नैनों से रूहानियत झलकती हो, चेहरे से मुस्कुराहट और कर्म से हरेक गुण सभी को अनुभव हो गए। तो इन बातों में हरेक बच्चा अपने को चेक करे। बाप दादा की हरेक बच्चे में यही सुभावना है कि हरेक बच्चा हरेक आत्माओं को ऐसा खजानों से संपन्न बनावे। आज विश्व की आत्माएं सभी यही चाहती हैं कि कुछ न कुछ आध्यात्मिक शक्ति मिल जावे, और आध्यात्मिक शक्ति के दाता आप ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्योंकि होली है, हाईएस्ट और रिचेस्ट आप आत्माएं हैं। होलीएस्ट भी सब आत्माओं से ज्यादा आप हो। आप आत्माओं की पूजा कितनी विधि पूर्वक होती है, जितनी आपकी विधि पूर्वक पूरा हो पूजा होती है उतनी और कोई की भी नहीं होती है। अभी लास्ट जन्म में भी आप आत्माओं की पूजा और कोई भी धर्मात्मा, धर्म पिता, महान आत्माएं जो निमित्त बनी है उनों की भी नहीं होती है। विधि पूर्वक पूजा की भले यादगार बनाते हैं, लेकिन उनकी विधि पूर्वक पूजा होती नहीं है। और आप जैसा खजाना, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, आप ब्राह्मण आत्माओं का एक जन्म का खजाना गारंटी पूर्वक 21 जन्म चलता है। क्योंकि बाप द्वारा बाप का वर्षा आपको मिला है। तो जैसे बाप अविनाशी है, वैसे ही बाप द्वारा मिला हुआ खजाना भी अविनाशी है। ये खजाना कोई महात्मा, धर्म पिता, धर्मात्मा, दीदी दादी या दादाओं द्वारा नहीं मिलता है।
डायरेक्ट बाप द्वारा मिलता है। अविनाशी खजाना है, इसलिए रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, होलीएस्ट इन दी वर्ल्ड आप हो। तो सभी अपने को ऐसे विशेष सेवादारी समझते हो। आज के समय विश्व की आत्माओं को आवश्यकता किस चीज की है जानते हो? आज विश्व को खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। आत्मिक स्नेह की आवश्यकता है, लेकिन आप ब्राह्मण आत्मा अभी समय अनुसार दाता बनो। मनसा की पावर से शक्तियां दो, वाचा से ज्ञान दो और कर्मेंद्रियों के कर्मणा से गुणों का दान दो। ब्रह्मा बाप ने अंत में तीन शब्द सभी बच्चों को सौगात में दिए। इन तीन शब्दों को अगर सेवा में लगाओ तो बहुत आत्माओं को संतुष्ट कर सकते हो। याद है वो तीन शब्द? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो मनसा द्वारा निर्विकारी, वाचा द्वारा निरहंकारी, कोई ऐसा बोल न निकले जो सुनने वाले को अहंकार का अनुभव हो जाए, अहंकारी दिखाई पड़े। और कर्मेंद्रियों की कर्मणा द्वारा विकारी, दुख देने वाला अनुभव न हो, निर्विकारी अनुभव हो। ये तीनों शब्द सेवा में लगाओ। अभी विश्व को आपकी शक्ति द्वारा थोड़ा सा दिल का आनंद, सुख की प्राप्ति हो, सब निराश है। और आप विश्व के लिए आशाओं के सितारे हो। बाप दादा सभी बच्चों को बाप की आशाओं के सितारे के रूप में देखते हैं। सिर्फ उम्मीदों के सितारे नहीं, लेकिन आशाएं पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे हो। बाप दादा के पास बच्चों का स्नेह पहुंचता है और सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? भिन्न भिन्न प्रकार के पुरुषार्थ हैं, लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ है स्नेह का। स्नेह में कड़ी से कड़ी मेहनत भी मोहब्बत अनुभव होती है, मोहब्बत के रूप में बदल जाती है, कड़ा काम भी सहज हो जाता है। तो बाप के स्नेही बनना अर्थात सहज सहज पुरुषार्थ करना। कोई तकलीफ अनुभव नहीं होगी। स्नेह में आप सभी अपने को स्नेही समझते हैं, कभी कभी के नहीं, सदा स्नेही। जो अपने को सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समझते हैं, सदा और स्नेह के सागर में समाया हुआ, वो डुबकी लगाने वाले नहीं, समाये हुए। समझते हैं स्नेह के सागर में हम समाये हुए हैं। तो जो अपने को ऐसा समझते हैं वो हाथ उठाओ। और इस बात में सदा अंडरलाइन करो।
ये सदा शब्द अंडरलाइन हो। बाप दादा आपके उठाए हुए हाथों को देख करके खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे हिम्मत रखते हैं। अगर कुछ कम भी होगा तो याद तो आएगा तुमने हाथ उठाया, क्योंकि बाप दादा का एक एक बच्चे से अति स्नेह है। क्यों? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि एक एक आत्मा अनेक बारी स्नेही बनी है, कल्प कल्पांतर स्नेही बनी है और अभी भी स्नेही बनी है और आगे भी हर कल्प यही आत्मा स्नेही बनेगी। और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं अथवा और धर्मों की जो पक्की आत्माएं हैं वो बाप दादा की स्नेही नहीं बनेंगी, आप ही स्नेही बनते रहेंगे। तो आपको ये नशा है, खुशी है कि हर कल्प के हम ही अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा ऐसी अधिकारी आत्माओं को देख करके दिल की दुआएं दे रहे, तो सदा थक बन करके उठते चलो। कभी भी अगर कोई कठिन परिस्थिति भी आती है तो ऐसी परिस्थिति में स्वयं स्थिति को ऊपर नीचे मत होने दो, क्योंकि स्वयं स्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं कर सकती। 24 मार्च 2009 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। अच्छा, इस बारी बाप दादा से पहली बार मिलने के लिए कौन कौन बच्चे आए हैं वो हाथ उठाओ। आते तो बहुत हैं, बाप दादा को एक एक बच्चे को देख करके नाज है, वाह मेरे बच्चे वाह, जैसे आप दिल में गीत गाते हो, ऑटोमेटिक गीत गाते हो, वाह बाबा वाह, वाह मेरे बाबा वाह। ऐसे ही बाप भी बच्चों के प्रति ये गीत गाते हैं कि वाह हर एक बच्चा वाह, क्योंकि बाप को भी कल्प के बाद आप बच्चे मिलते हो। आप बच्चे बाप को मिलते हो ना, और एक एक विश्व के आगे वो बच्चा महान बन जाता है, तो बाप भी गीत गाते हैं वाह बच्चे वाह। तो मेरे सभी बच्चे वाह वाह हो गए। तो सदा यही याद रखो, हम वाह वाह हैं, सारे संसार में हमारी वाहवाही होने वाली है। दुनिया विनाश में हाय हाय करती रहेगी और आप धरती के सितारे ज्ञान की रोशनी फेंकते हुए वाह वाह के गीत गाते रहेंगे। चाहे अभी पुरुषार्थी है लेकिन फिर भी आने वाले भविष्य में आप बच्चे वाह वाह बनने वाले हो, दुनिया की नजरों में भी वाह वाह बनने वाले हो।
आप बच्चे। वाह 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 ए सदगुरु, ये साथ चलेंगे ना, आप साथी है ना, रह तो नहीं जाएंगे। बाप तो कहते हैं हर एक बच्चे को स्नेह की गोदी में साथ ले जाएं, तो साथ जाने के लिए तैयार हो? रास्ते में कोई अटैचमेंट का साथी आ जावे तो रोकेगा तो नहीं? बाप दादा के साथ चलेंगे ना, क्योंकि वायदा है, आप वायदे को निभाने वाले हो। तो अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप सब अपना फरिश्ता रूप इमर्ज करो। फरिश्ता अर्थात फर्श की दुनिया वाले देहधारियों से आपका कोई भी रिश्ता नहीं, चलते फिरते फरिश्ता ड्रेस वाले अनुभव कराओ। बाप दादा ने ये ड्रिल आपको सिखाई है, काम करते करते चलते चलते बैठे बैठाए बीच बीच में ये ड्रिल करते रहो, आपको वस्त्र बदली करने की तो आदत है ना, तो जैसे 63 जन्म शरीर की ड्रेस बदली करते रहे, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप फरिश्ता ये बार बार अनुभव करो। ये फरिश्ताई ड्रेस आपको पसंद है ना, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ता रूप में वतन में बैठे, ऐसे बाप समान आप सब भी चलते फिरते फरिश्ते रूप में अनुभव करो। क्योंकि फरिश्ता रूप होगा तो देवता भी बनेंगे। तो बाप दादा की तरह ऐसे तो नहीं समझते हो कि हम भी शरीर छोड़ करके फरिश्ता बनेंगे है? बाप दादा अभी भी प्रैक्टिकल में फरिश्ते रूप का अनुभव कराए रहे हैं। जैसे बाप के 3 रूप याद रहते हैं, बाप शिक्षक और सदगुरु, ऐसे अपने भी 3 रूपों को याद करो। ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता, आपके ये 3 रूप पक्के हैं ना? कभी ब्राह्मण की ड्रेस पहनो, कभी फरिश्ते की, कभी देवता की, इन 3 रूपों में स्वतः ही त्रिकालदर्शी सीट में बैठ साक्षी होकर के कार्य करते रहेंगे। तो सभी से बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा बाप दादा के साथ रहो, कभी भी अकेले अनुभव नहीं करो। क्योंकि बाप का वायदा है क्या? याद आया? अरे बीके वालों को याद ना आए तो भी कोई बात नहीं, आपको तो याद होना चाहिए। साथ रहेंगे साथ चलेंगे, बीच में छोड़ करके नहीं जाएंगे। अगर अभी कभी कभी रहेंगे तो फिर साथ कैसे चलेंगे?
स्नेही स्नेही को कभी भूल नहीं सकता है। तो सारे दिन में ये अभ्यास करते रहो। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। देवताएं देवानी की स्टेज में रहते हैं क्या? कि अपन को ज्योति बिंदु निराकार आत्मा समझते हैं? क्या समझते हैं? निराकार आत्मा समझते हैं। देहभान में उनकी बुद्धि नहीं धरी रहती है। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को जो सदा खजाने से संपन्न है, सदा अपनी चलन और चेहरे से सेवादारी है, क्योंकि आप सबका वायदा है कि हम विश्व परिवर्तक बन विश्व की पर विश्व का परिवर्तन करेंगे, तो चलते फिरते भी सेवादारी सेवा में ही तत्पर ही रहते हैं। ऐसे विश्व सेवादारी सारे विश्व के परिवर्तन करने वाले हरेक बच्चे को बाप के खजानों से भरपूर करने वाले हो। बाप दादा के चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। अच्छा, आज सेवा का टर्न महाराष्ट्र जोन का है। उन्होंने बोला कि सभी महाराष्ट्र वालों ने नो प्रॉब्लम का ताज पहना हुआ है। अच्छा है, ये तो अच्छा किया, सभी ने अपने ऊपर ताज लगाई दिया है। जैसे ताजदारी नो प्रॉब्लम वाले हैं, नो प्रॉब्लम का ताज लगाया है, तो सभी की तरफ से बाप दादा यही दुआएं दे रहे हैं कि सदा काल के नो प्रॉब्लम भव। ऐसे हरेक मनवाणी कर्म संगठन में सदा नो प्रॉब्लम रहने वाले। अगर प्रॉब्लम आवे भी तो एक सेकंड में परिवर्तन हो जावे। प्रॉब्लम के रूप में आए और संपन्न के रूप में बदल जाए। अच्छा है, नो प्रॉब्लम वालों का सीन देख रहे हैं, कितनी अच्छी सीन है। संकल्प और श्वास में भी नो प्रॉब्लम, तो सभी की तरफ जो ताजदारी बने हैं उनको बधाई दो। सभी बड़ी स्क्रीन में देखो कितना अच्छा लगता है। एक एक बच्चे को जिन्होंने संकल्प किया है नो प्रॉब्लम, अर्थात बाप समान सदा रहेंगे, इसलिए बाप दादा आप बच्चों को पदम गुना बधाइयां दे रहे हैं। नाम ही है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र अर्थात महान स्वरूप द्वारा सेवा करने वाले। अभी महाराष्ट्र ने कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किया है, बहुत समय हो गया है। कोई विशेष इन्वेंशन कर महान सेवा का पाठ बजाने में बाप दादा को याद है
कि महाराष्ट्र ने प्रदर्शनी निकालने का अच्छा पार्ट बजाया था। ये प्रदर्शनी के ढेर चित्र कहाँ से निकले थे, किसने बनाए थे? महाराष्ट्र के रमेश भाई के द्वारा बनाए गए थे। उन्होंने तो जड़ चित्र बनाए। आप तो बेहद के महाराष्ट्रियन हो, तो कैसी प्रदर्शनी बनाएंगे? चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी बनाएंगे। उन्होंने जड़ प्रदर्शनी निकालने का अच्छा पार्ट बजाया। आप चैतन्य प्रदर्शनी निकालो, जड़ प्रदर्शनी के द्वारा अभी तक भी सेवा हो रही है कि बंद हो गई? अभी तक भी जड़ प्रदर्शनी के द्वारा सेवा हो रही है। तो जैसे ये विशेष रमेश बच्चा निमित्त बना, अभी तक वह यादगार चल रही है, तो ऐसी कोई विशेष इन्वेंशन अभी महाराष्ट्र को निकालनी है। प्रदर्शनी भी विशेष। कैसी प्रदर्शनी है? चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी। एक एक चित्र फरिश्ता दिखाई दे करना है। कोई नई बात करके दिखाओ। प्रदर्शनी, मेले, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, ये तो पुरानी बातें हो गई। जैसे दिल्ली वालों ने हिम्मत रखी है कि सभी को संदेश दे देवे, बड़े मैदान में संदेश तो दे देवे हैं, चाहे अखबार द्वारा, चाहे टीवी द्वारा, चाहे मीडिया द्वारा, संदेश तो देना ही है, कोई काउ लेना नहीं रह जाए। तो ऐसे आप भी कुछ न कुछ करते रहो, क्योंकि बिचारी आत्माएं अभी समझती हैं कि आध्यात्मिकता आवश्यक है, शांति चाहिए, लेकिन विचारों को कोई साधन नहीं मिलता, कोई उमंग उत्साह दिलाने वाला नहीं मिला है। इसलिए हरेक जोन को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। मधुबन में जैसे कोई न कोई प्रोग्राम चलता रहता है, ऐसे कोई न कोई प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। चाहे ब्राह्मणों का प्रोग्राम, चाहे संदेश देने का प्रोग्राम, चाहे अपनी उन्नति के नए नए साधनों का प्रोग्राम, कोई भी नया प्रोग्राम निकलता है तो बाप दादा ने देखा है, देश हो चाहे विदेश हो, सभी बड़ी रुचि से करते हैं, अच्छा है। 24 मार्च 2009 की अभ्यक्तवाणी का चौथा पेज। कुछ न कुछ करते रहते हो, करते चलो, अच्छा। अभी कोई नया प्लान बनाएंगे? कितने टाइम में बनाएंगे? उसकी तैयारी करने में कितने मास चाहिए? आपस में मीटिंग करना, तारीख फिक्स करना,
क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे दोनों स्थानों में महारथी सर्विसेबल अच्छे अच्छे बच्चे हैं। और अभी हरेक जोन में भी देखा है कि सर्विसेबल बच्चे बढ़ते जाते हैं। सर्विस के प्लान करने वाले अथॉरिटीज बहुत हैं, चाहे छोटा जोन है चाहे बड़ा है, लेकिन सर्विसेबल बन गए। इसलिए अभी धूम मचाओ, एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो सभी जोन में एक साथ हो और मीडिया द्वारा अनाउंसमेंट हो, फलाने फलाने स्थान पर एक ही प्रोग्राम चल रहा है, हर एक जोन में और अखबार में डाला जाए, इस स्थान में प्रोग्राम हो रहा है, सारे स्थानों की एड्रेस और टॉपिक एक ही टॉपिक हो, एक ही समय हो, एक ही टॉपिक हो, जहां भी जाए वही टॉपिक, ये हो सकता है ना? विदेश में भी इसी तारीख पर यही प्रोग्राम, तो चारों ओर एक ही एक दिखाई दे। इस वर्ष की थीम रखी गई है परमात्मा के वरदानों को प्राप्त करना। ये टॉपिक तो अच्छी है, कुछ भी आपस में फाइनल करो, लेकिन आपस में मिलकर के डेट, टॉपिक और एडवर्टाइजमेंट कैसा हो वो बना के दो। जो भी टॉपिक रखेंगे पहले से ही बाप दादा को पसंद है, अच्छा है, क्योंकि सभी इच्छुक हैं। पहले सुनते थे तो दूर भागते थे, अभी चाहते हैं कि कुछ सुने। वीआईपी भी इंटरेस्ट से लेते हैं, तो अभी एक ही आवाज चारों ओर फैले, चारों ओर जहां भी जाएं तो सुने, यही अच्छा है, अच्छा है, चारों ओर देखा जाता है। वृद्धि भी अच्छी हो रही है, ब्राह्मण भी बढ़ रहे हैं, अभी नंबरवार हैं, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि सब नंबर वन बने, अच्छा है। महाराष्ट्र कोई नई इन्वेंशन निकाल करके सेवा में एक नवीनता का आवाज फैलाएगा। बाप दादा को बहुत बहुत महारथी सर्वसुल बच्चे दिखाई दे रहे हैं। टीचर्स भी अच्छे अंदाज में अपना अपना सेवा केंद्र संभाल रही हैं, इसकी मुबारक। और बाप दादा पदम गुना मोदा दुआएं भी दे रहे हैं, अच्छा। ओम अपने बच्चे को याद करती है, तो जब बच्चे को याद करती है तो मुर्दा समझ के याद करती है, जब याद करती है तो उसे ये याद आता है इसकी आत्मा निकल गई है, मुर्दा है, ऐसे याद करती है नहीं, जिंदा ही याद करती है ना। तो आप भी ऐसा ही याद करिए कि साकार है और साकार में वो सितारा आत्मा बैठी हुई है और उसकी आंखों से रोशनी निकल रही है,
तो साकार में निराकार को याद करते हैं या सिर्फ बिंदु को याद करते हैं? साकार में निराकार को याद करता है बाबा, बिंदी बिंदी साकार में आपको याद करता है बाबा। हाँ? तो योग नहीं लाएगा। योग क्यों लगाती है? याद करो। योग छोड़ दो, याद करो। जो देखा है, जो अनुभव किया है, उसे याद करो। दर्शन चक्र फिराया? हाँ जी। आज कितने बार है? आज कितने बार? आज कितने दर्शन चक्र फिराया? ओ आज कितने बार बाबा याद रहा? सुदर्शन चक्र को छोटा करते जाओ। सुदर्शन चक्र ऐसे घूमता है ना, चक्कर चक्कर घूमता है कि नहीं? चक्कर बड़े से बड़ा भी हो सकता है और चक्कर छोटे से छोटा भी हो सकता है। अगर चक्कर को छोटा 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 बहुत छोटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बिंदी। सारे ज्ञान को विस्तार में ले जाओ तो बहुत बड़ा चक्कर हो गया, और विस्तार को सार में लाओ तो बिंदी हो जाए। ज्यादा मेहनत किस में लगती है? विस्तार करने में मेहनत लगती है या बिंदी बनने में मेहनत लगती है? बिंदी बनने में मेहनत लगती है। ये हड्डी जो है चार अवस्था में प्रसार होते हैं, है? कोई चीज भी हो चार अवस्था में प्रसार होते हैं। हाँ? तो ये ज्ञान भी सतो सतो सामान्य रजो और तमो। हाँ? तो तमो कैसे होते हैं? क्योंकि ज्ञान देने वाला तो शिव बाप है ना। शिव बाप ज्ञान देने वाला तो एक है, लेकिन लेने वाले अनेक हैं या एक है? तो फिर जब वो ज्ञान विस्तार में फैलेगा तो सब एक जैसा उठाएंगे या अलग अलग उठाएंगे? अलग अलग उठाएंगे तो अलग अलग तरह के वाइब्रेशन फैलेंगे या एक ही तरह का वाइब्रेशन फैलेगा? अलग अलग तरह के वाइब्रेशन फैलेंगे। तो ज्ञान तमो प्रधान बनेगा या सतो प्रधान बनेगा? बनेगा तो तमो प्रधान, पर निकलेगा तो सतो प्रधान ना। अरे जब निकला पहाड़ से गंगा निकलती है तो सतो प्रधान निकलती है, फिर वहां से आते आते मैदान से गुजरती है तो सतो प्रधान देती है। कहने का मतलब ये है कि जब मैदान में आते हैं तो नदी नाले मिलते हैं उस में। हाँ, तो ऐसा ही होगा। होगा क्या? हो नहीं रहा। तुम सतो जब आए थे, बेसिक में आए थे या एडवांस में आए थे, तब अवस्था क्या थी और अब अवस्था क्या है? अनुभव नहीं आ रहा है। हाँ। बाबा भक्ति मार्ग माना क्या क्या मानेंगे? पूजा पाठ भक्ति मार्ग माना क्या क्या मानेंगे? पूजा पाठ और पूजा पाठ मूर्ति पूजना नदी या पूजना ऐसा क्या होगा बाबा? ज्ञानी में ज्यादा ताकत होती है या अज्ञानी भगत में ज्यादा ताकत होती है? ज्यादा ताकत होती है। ज्ञानी अपने को भी चेंज करता है और दुनिया को भी चेंज करता है, और जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में आत्मा खुद भी गड्ढे में जाती है और दुनिया भी गड्ढे में जाती है। तो जो ज्ञानी होगा उसकी निशानियां दिखाई पड़ेंगी या नहीं दिखाई पड़ेंगी? पड़ेंगी। जो ज्ञानी होगा उसकी ये निशानी दिखाई पड़ेगी कि वो एक भगवान से प्रभावित होगा, भगवान की बात को मानेगा और किसी की बात नहीं मानेगा, और अज्ञानी होगा हाय ये सब क्या कहेंगे, बिंदी तो लगा नहीं नाक में नथनिया तो पहननी पड़ेगी ना। लोकलाज से प्रभावित होगा या नहीं होगा? जो ज्ञानी होगा वो आने वाली दुनिया की लोकलाज देखेगा, नई दुनिया की लोकलाज देखेगा या भसम होने वाली दुनिया की लोकलाज देखेगा? नई दुनिया की, जो भगवान की दुनिया है, भगवान की लोकलाज की ज्यादा ध्यान रखेगा। जो दुख देने वाले हैं उनकी दुनिया की लोकलाज का ध्यान नहीं रखेगा। दुखी देखने से आप भी दुखी बन गए। हाँ।
जो यज्ञ के आदि में एक कहानी है, ब्रह्मा बाबा को शासक था, उसके बाद में माता के पास में गया और माता ने हमले से आया। मुरली में है या किताब में है, क्या है? किताबें मनुष्यों ने लिखी है और मुरली भी छापी है मनुष्यों ने, लेकिन असली मुरली कौन सी है? छपी हुई मुरली असली है या ब्रह्मा बाबा के मुख से निकली हुई मुरली असली है? तो मुख से निकली हुई मुरली, और वो भी अगर मिल जाए तो टैप रिकॉर्डर में टैप की हुई, उससे टैली करना है। दीदी दादी दादाओं ने जो किताबों में छाप छाप करके रखा है उनको प्रूफ नहीं मानना है। और माता लोग है का कहना है, हाँ? माता लोग जो है ओम शांति नहीं कहना चाहिए, पाप लगता है, चाहे छोटी बात है पाप लगता है। आप यहाँ भरी सभा में प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप दुनिया वालों से प्रभावित हैं, भगवान की बात से प्रभावित नहीं, नहीं है, नहीं तो आप पूछते ही नहीं शादी बर्बादी है बाबा या नहीं है, क्योंकि दुनिया वाले कहते हैं शादी बर्बादी नहीं है। हाँ, दिल में खाती है ना कि दुनिया वाले कह रहे हैं कि ओम शांति कर माताओं को नहीं करनी चाहिए। तो लोगों की बात को आप एक कान से सुन के दूसरे कान से क्यों नहीं निकाल देते? कहाँ निकालते आप तो यहाँ सबके सामने निकालते है। अव्यक्तवाणी कब तक चलेगा? आपको अव्यक्तवाणी से कोई नुकसान हो रहा है क्या? है आपको तो अव्यक्तवाणी फायदा पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, तो आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? वो सोचते शिवलिंग पर प्रसाद क्यों नहीं खाते है? शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाते हैं क्यों नहीं खाते है? क्योंकि शिवलिंग का जो प्रसाद है वो दुनिया वाले भगत तो समझते हैं कि वो जड़ प्रसाद है। क्या कोई फूल चढ़ा दिया, कोई फल चढ़ा दिया, कोई नैवेद्य चढ़ा दिया, मीठी चीज चढ़ा दी, दूध चढ़ा दिया, घी चढ़ा दिया, तो लोग तो स्थूल चीज को समझते हैं या चैतन्य को समझते हैं? है भगवान जो है वो लड्डू पेड़ा खाने के लिए आता है क्या? नहीं, उसके ऊपर जो दूध की लोटी चढ़ाई जाती है उस लोटी का मतलब है, लोटी कहो घड़ा कहो, उसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं, ज्यादा पानी होता है, होता है ना? तो वो लोटी किसकी यादगार है? यादगार तो भक्ति मार्ग की है, लेकिन भक्ति मार्ग में कौन सी चीज है जिसकी वो यादगार है लोटी? है जो आत्माएं अर्पण होती हैं, जिनको अर्पण किया जाता है, तो अर्पण करने वाले माँ बाप होते हैं ना, या पति होता है ना, तो पति अपनी पत्नी को अर्पण कर देता है ईश्वरीय कार्य में, माँ बाप अपनी बच्ची को अर्पण कर देते हैं, तो वो लोटी है उसमें दूध कम होता है या ज्यादा होता है? दूध बहुत थोड़ा और बाकी सारा पानी। तो ये अर्थ को समझते हैं क्या? बोलो, वो नहीं समझते, और हम यहाँ बैठे हुए हम भी नहीं समझते, तो हम भी भगत हुए या ज्ञानी हुए? नहीं समझते, नहीं समझते।
इतना अति लगाते थे कि भारी ज्ञान है, इसीलिए वो दुनिया वाले नहीं करते। इसलिए जो भगवान के ऊपर अर्पण किया गया वो भगवान के ऊपर अर्पण हुई की चीज और कोई दूसरा यूज करे तो उसको महापाप लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। माँ बाप अपनी अर्पण की हुई कन्या को वापस ले जाए तो चांडाल बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में ये गायन है कि शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ाया जाए प्रसाद, प्रसाद माने प्रसन्नता देने वाली चीज, वो प्रसाद किसी दूसरे को यूज नहीं करना है। जो कन्या बाबा स्वयं नहीं रहना चाहती है, कन्या स्वयं नहीं रहना चाहती है तो फिर भी माँ बाप को पाप लगाएंगे? माँ बाप को क्यों? माँ बाप लाए ही नहीं तो उन्हें पाप क्यों लगेगा? नहीं रहना चाहती है, फिर नहीं रहना चाहती। दुनिया बहुत बड़ी है, चाहे जहाँ चली जाए बाप नहीं लेके। अरे तो पाप नहीं लगेगा? वही पूछ रहे, कहने का, अगर कन्या नहीं रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती है तो कन्या जाने, कन्या का काम जाने, माँ बाप नहीं, माँ बाप को कोई असर नहीं पड़ेगा? माँ बाप क्यों असर पड़ेगा? उन्हें दे दी चीज, जो चीज दे दी वो वापस लेना तब असर पड़ेगा, या वापस ली नहीं तो असर पड़ेगा? लेंगी तब ना वापस पड़ेगा? नहीं रहना चाहिए। माँ बाप को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, सवाल ये है। वो नहीं रहना चाहती तो न रहे। अरे कन्या कहीं भी जाएगी, माँ बाप उसके निमित्त बन रहे हैं रखने का, बाबा क्या करेगा? घर में आने देंगे तो ऐसी चीज जो घर में आएगी तो वो घर का सत्यानाश करेगी, जो भगवान को नहीं पहचानेगी, भगवान को धोखा देगी, अपने माँ बाप को धोखा देगी तो घर वालों का मुंह काला करेगी या उजाला करेगी? क्या समझते हो? अरे बोलते क्यों नहीं, पक्ष में आओ या विपक्ष में आओ? वो चाहता है कि कन्याओं को वापस आना चाहिए। नहीं 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 बाबा, दान तो बहुत होता है, जैसे दान, कोई लोग दान दान देता है, कोई कह रहा है, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है? कन्यादान। सबसे बड़ा ज्ञान वो अपनी अम्मा को ज्ञान सुनाती है। सबसे बड़ी दान है ना, महादान कहा जाता है उसको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तुम 18 साल की हो जाओ अपने आप सरेंडर हो जाना। ये क्या यज्ञ वाणी जब बंद होगी तब खास ब्राह्मणों की नई दुनिया स्टार्ट होगी, इसलिए वो पूछ रहे की अव्यक्त वाणी कब तक चलेगी? फिर वही बात, चंद्रमा से, चंद्रमा चाहे अधूरा निकले और चंद्रमा चाहे पूरा निकले, तुमको नुकसान हो रहा है चंद्रमा से? नुकसान तो नहीं हो रहा है। अच्छा ये बात जरूर है कि चंद्रमा पूर्णमासी का सबको अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं? तो पूर्णमासी का चंद्रमा जब निकलेगा तो एक तरफ चूर्णमासी का चंद्रमा निकलता है या डूबता है, तो दूसरी तरफ सूर्य उगता है। सूर्य उगे नहीं और चंद्रमा भी अस्त हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, दोनों काम साथ साथ होंगे। एक तरफ कृष्ण वाली आत्मा संपूर्ण बनेगी और माया मौसी जो उसके पीछे लगी हुई है, जो गीता का भगवान कृष्ण को बनाती है, वो मासी भी पूर्ण हो जाएगी। तो नाम क्या पड़ेगा? पूर्ण मासी। और दूसरी तरफ सूर्य भी उदय हो जाएगा। तो जो काम करना है सो तो करते नहीं या कर नहीं पाते, ये कहते हैं ये कब मरेगा? गुलजार दादी, कैंसर की मरीज, इतने साल से लाखों रुपया पर लगता है खून बदलने में, कब मरेगी? तो नेगेटिव संकल्प हम क्यों करें?
हमें करना क्या है? अरे क्या करना है? अरे हम ब्राह्मण बच्चों की क्या जिम्मेवारी है? बाप को प्रत्यक्ष करना, ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष करना। चलो।